हे गाइस, गुड आफ्टरनून। मैं रोशन सिंह, नेवर गिव अप इंडिया से। कैसे हैं आप लोग गाइस? आज है 26 तारीख और समय हो रहा है 3:30 बज रहे हैं। एक्चुअली मैं कुछ इंस्पायरिंग और टैलेंटेड लोग को सर्चिंग में निकला हूँ और स्मार्ट इंडियन के लिए भी निकला हूँ। एक्चुअली बस रास्ते में ही हूँ। मैंने आज धर्मेंद्र सर का एक वीडियो देखा, बहुत दिन बाद एक्चुअली मैंने उनका एक वीडियो देखा और मुझे अच्छा लगा। एक्चुअली उसका क्लिप मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ, ये देखिए। कि मुझे 7वीं 8वीं के बच्चे मिलते हैं, 2 दिन पहले आज भी मिले, वो बोलते हैं कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मेरा चैनल है ग्रो नहीं कर रहा है, क्या करूँ सर, बहुत टेंशन में। हम यारे टेंशन उसके लिए मतलब भाई, पढ़ाई के लिए टेंशन लो मेरे भाई, अभी छोड़िए सब। तो ये सब देखते हैं इंजीनियर्स लोगों को, देखते हैं कि साला सब कोई सोचता है कि मतलब लोग इतना उलझा रहा है, यूट्यूब इतना माया का जाल डाल दिया लोगों के ऊपर, बच्चों के ऊपर, कि मतलब उनका सोच ही भूल गया है कि मतलब मुझे एक एंटरप्रेन्योरशिप का तो सोच ही निकाल दिया इंजीनियर्स के दिल से। बहुत कम ही ऐसे लोग रह गए हैं जो कि ये सोचते हैं कि हमें कुछ करना है, कुछ ऐसा स्टार्टअप अच्छा करना है। तो हमारा यही गुजारिश है आप लोगों से कि आप अपने कीमती समय को मत ये करें, बेकार करें, मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, लाइफ में बहुत कुछ बन सकते हैं। थोड़ा ब्रॉड माइंड से सोचिए और अपने आप को उस रास्ते पे ले चलिए। यूट्यूब ठीक है उन लोगों के लिए जिनके पास रोज़गार नहीं है, जिनको टैलेंट है बहुत ज़्यादा इस चीज़ फील्ड में, ठीक है, किसी एक स्पेशल चीज़ में जो कि यूट्यूब पर कर सकते हैं, और कीजिए बट नॉट सीरियसली, बट पार्ट टाइम कीजिए, ठीक है। और जब आपकी पढ़ाई सब कुछ कर लेंगे तब आप फुल टाइम जो है ना कुछ नहीं कर पाए, अगर सब कुछ हार गया तो आ जाइएगा यूट्यूब पे, फिर आप जो करना हो करते रहिएगा। सो गाइज, आपने एक क्लिप देखा, एक्चुअली ना ये सही बात है। क्या होता है ना, यूट्यूब में करियर बनाने के लिए लोग जी जान से इसमें मेहनत करते हैं और फिर क्या होता है, रिजल्ट वैसा नहीं आ पाता। मैं ये कहता हूँ यूट्यूब में आप करियर बनाइए बट फुल्ली फोकस मत रहिए। इसमें क्या होता है, जब आप यूट्यूब करते हैं तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल मैं ही खुद हूँ। और पता है, जब मैं ये धर्मेंद्र सर के पास भी गया था, मैं उनसे मिलने के लिए और उनके साथ जब ब्लॉग बनाया था तो ये बात भी हुआ था और वो मुझसे पूछते थे, रोशन करते क्या हो और बताओ, और इसके अलावा यूट्यूब के अलावा। तो मैं बोला एक बिज़नेस करता हूँ, सप्लाई का बिज़नेस, बट वो कोई ख़ास चल नहीं रहा है अभी। तो उस टाइम वो सप्लाई वाला बिज़नेस करता था मैं, और पता है ये बिज़नेस एक्चुअली करते करते मतलब मैं कहीं ना कहीं डिस्ट्रैक्ट भी हो गया था। 1 साल मुझे ज़्यादा कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ इस पर, और जैसे कि आपको पता ही है कि मैं दुबई का नौकरी छोड़ के इधर पे ये सब कर रहा हूँ। तो ये सारी बातें हैं गाइज, और वो सही बात है। तो मैं भी ये मैसेज देना चाहूँगा सबको जो भी देख रहे हैं, स्टूडेंट्स और जो लोग भी जो इसमें करियर बनाना चाहते हैं यूट्यूब में, तो आप बनाइए बट आप अपने लाइफ में फोकस रहिए। अभी देखिए मैं यूट्यूब को भी पार्ट टाइम ही कर रहा हूँ, समझिए। मैं शुरू से ही पार्ट टाइम कर रहा हूँ बट बीच में मैं रेगुलर हो गया था एकदम, मतलब इसमें जी जान लगा रहा था। बट आप जी जान मत लगाइए प्लीज़, आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में अगर आ गए यूट्यूब में तो क्या होगा, अगर आपका चैनल बंद हो जाता है, कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो आपका पूरा मेहनत धरा धराया रह जाएगा। तो गाइज ऐसा गलती मत कीजिए, मेरा ये मैसेज है और आप इसको पार्ट टाइम लीजिए। फेमस होना कौन नहीं चाहता यार, बताओ कौन नहीं चाहता फेमस होना, कौन नहीं चाहता पैसा कमाना। तो इसमें फेमस भी होते हैं, पैसा भी कमाते हैं, तो आप कीजिए बट पार्ट टाइम कीजिए और कुछ ऐसा यूनिक कीजिए। और मतलब ये मत सोचिए कि पैसा तुरंत मिल जाए। सो गाइज आप ये याद रखिए प्लीज़, और मैं यही मैसेज आपको भी देना चाहता हूँ कि आप प्लीज़ उसको पार्ट टाइम कीजिए, फुल टाइम मत कीजिए। और क्योंकि क्या होता है, जो आप ड्रीम देखते हैं मतलब कुछ बनने का, वो आप ज़्यादा फोकस करेंगे तो अच्छा है। वो भी कीजिए, ये भी कीजिए, अगर आपका ये चल पड़ा तो आप इसमें हो सके तो इसमें करियर बना लीजिए, है ना। तो ये सारी बातें हैं, अगर आप कुछ बिजनेस करना चाहते हैं वो कीजिए। तो ये मेरा मैसेज था गाइज, तो आप प्लीज़ इस मैसेज को सीरियसली लीजिए और मेरा ये मानिए, एक भी अगर कोई भी इसको फॉलो करता है तो आई सल्यूट दिस गाय, जो भी इसको फॉलो करेगा। सो गाइज प्लीज़, ये मेरा खुद का एग्जांपल है। सो गाइज थैंक यू सो मच, और कैसा लग रहा है वीडियोस बताइए, और बहुत जल्द आएगा स्मार्ट इंडियन और कहानी संघर्ष का शो, तो कीप वॉचिंग, नेवर मिस एनी वीडियो, कीप सब्सक्राइबिंग, और आप शेयर करना मत भूलिए, लाइक करते रहिए, ट्राई कीजिए हर वीडियो को, एनर्जी मिलता है।
जाहिर सी बात है आप ये सारी वीडियोस को अगर देखते हैं और लाइक करते हैं, कमेंट कीजिए, कोई भी ऐसा बात है आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाय गाइज, सी यू सून।